24वां अध्याय। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है, तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए कितनी बुराइयां सुधरती जाती हैं, इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहते, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है, उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा और हमने उसे पकड़ा। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसकी जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, बातें इसी प्रकार की हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने के लिए सैन किया तो उसने उत्तर दिया, मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। तो आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए, और उन्होंने मुझे ना मंदिर में, ना सभा के घरों में, ना नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं। परंतु ये मैं तेरे सामने मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब की प्रतीति करता हूं, और परमेश्वर से आशा रखता हूं, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था कि मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें ये कहकर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुर्कियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया।